राजू भाई के लिए अगला भजन। मैं शुरू से ही कान पकड़ के ये भजन कोशिश करूँगी। ये गुजरात का भजन है और गुजरात का लहजा बहुत अनूठा है और बहुत ही कठिन, तो मैं अपने अंदाज में विजली ना चमकारे मोती ना परोवी लियो पान बाई गाने की कोशिश करूँगी। ये कितनी ज़बरदस्त बात है कि एक सास अपनी बहू को हर रोज ज्ञान का एक भजन सुनाती है और कहती है, विजड़ी ना चमकारे मोतीड़ा परोविलियो, अचानक अंधारा था से जोता रे जोता मा दिवसो व्या जासे पान भाई 21,600 ने काल खाशे। तो 21,600 एटले सु कोई ने खबर छे, राजभाई ने तो खबर छे। 21,600 एटले सु, हाँ श्वास। तो मैंने जब ये पहली बार सुना तो मैंने सोचा मैं आजमा के देखती हूँ। तो मैंने एक्चुअली टाइम किया 1 मिनट में कितनी स्वांस होती है और फिर मल्टीप्लाई किया 21,600। बिजली के चमकने तक का समय हमारे पास। सूफी वो होता है जो हर पल मौत के सामने खड़ा रहता है, हर पल सजग कि ये मेरा आखिरी पल हो सकता है। और फिर बात है मोती पिरोने की, कर्मयोगी बनने की। जो करना है धरा का धरा ना रह जाए। जाण्या रे जेवी आतो अजाण छे रे पान बाई अधूरिया ने नो कहवाए। हाफ बेक्ड सीकिंग जिसको कहते हैं ना, ना इधर के ना उधर के, ना घर के ना घाट के, मुझ जैसे कबीर गाने वाले लेकिन वापस अपनी कुटिया में छुपने वाले, ऐसे ऐसे लोगों को कहा है कि ये अधूरे लोगों की समझने की बात नहीं है। गुपत रसनो खेल छे आ अटपटो, आंटी मेलो तो समझाए। ये गुप्त रस का खेल है, अटपटा है। कबीर की बानी अटपटी झटपट लखी न जाए, जो जन झटपट लखी लहे वाकी खटपट ही मिट जाए। पर मुश्किल है इस अटपटी बानी को अंतरसात करना, अपने आचरण में लाना। गाना बजाना लोक रिझाना आसान, चलना मुश्किल। गुप्त रसनो खेल छे आ अटपटो, तमे आंटी मेलो तो समझाए। आंटी एटले हूँ तमने शू समझाऊँ, आंटी शू तमे मने समझाओ, आंटी एटले शू मुकी दो, हाँ क्रॉस आ पार थी ए पार थी जवानो। अच्छा जे गायक पासे थी मैं सीखी सीख्यू, एमने कीधु मने के आंटी एटले तमारा मन में जे गांठो पड़ी जाए छे आंटीओ, और ये कुविचार की गांठे हैं, छोटेपन छोटे विचार की गांठे, इनको छोड़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। मान रे हाँ मान की गांठे, वाह हाय वो तो सबसे बुरी है ना, मान मर्यादा लज्जा कुल की लज्जा, ये सब भटकाने वाली बातें हैं।
मान रे मुखी ने तमे आओ रे मैदान म्हारे, जाने लीजो जीव केरी जात ने, सजाती विजाती नी जुगत दिखाड़ू ने, बीबे रे पाड़ी दऊ बीजी भात ने। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है गंगा सती की आवाज में कि मेरे मैदान में आना है तुम्हें, तो मतलब एक चैलेंज जैसा है, है ना? तो अपना मान छोड़ के आना होगा, जैसे कबीर कहते हैं, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश काट भोई धरे तब बैठे घर माही। यहां भी मान की बात है। कबीर की व्याख्या में मान यानी हमारा सर, जिसको काटना होगा। चाखो चाहे प्रेम रस, राखो चाहे मान, दो खड़ग एक मियान, देखा सुना नहीं कान। एक म्यान में क्या दो खड़क फिट आएंगे? तलवार, कोई स्कोप नहीं है। तो या तो प्रेम का रस चख लो, या फिर अपना मान मर्यादा इंटैक्ट रखो, दोनों एक साथ नहीं। तो जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकड़ी ही, या मैं दो समाए नाही। तो कितनी सुंदर बात, अगर मान को छोड़ के मेरे मैदान में आओगे तब तुम अपने जीव की जात को पहचान पाओगे। मान तो एक लेप है जो चढ़ा हुआ है तुम्हारी जीव के ऊपर, धर्म का मान, देश का मान, मजहब का मान। बहुत जमींदार होने का मान, सजाति विजाति नी जुगत दिखाड़ू तमने मैं, सजाति विजाति अस एंड देम, अपने पराए, मेरी जात के पराई जात के। ये जो ड्यूअलिटी, दुई का भाव है जिसमें हम जकड़े रहते हैं, इसको छोड़ के गंगा सती पूरी अथॉरिटी के साथ कहती है, मैं तुम पर एक और डिजाइन की स्टैंप लगाने की कैपेसिटी रखती हूँ। और अगर हम कबीर और गंगा सती और संतों की बात को सही मायने में समझेंगे, तो वो हमें दुई की भावना में अपना अस्तित्व ढूंढने का कभी नहीं कहेंगे कि तुम्हारा अस्तित्व हिंदू है, मुसलमान नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे। वो एक दूसरी आइडेंटिटी की छाप देंगे आपको, और वो है समुद्र में एक बूंद होने की आइडेंटिटी। एक बूंद में पूरा समुद्र विराजमान है, बूंद के बगैर समुंद कहां? आप समुंद भी हैं और बूंद भी। ये आइडेंटिटी कबीर आपको दिखाएंगे आपकी, गंगा सती आपको दिखाएगी आपकी। बूंद पड़ी समुंद में जाने है सब कोई, लेकिन समुंद समाना इस बूंद में जाने बिरला कोई। और समुंद में सब कुछ है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, औरत भी है, पुरुष भी है, हम भी हैं, पराए भी हैं, सब हैं समुंद में, और वो आप में भी हैं। लेकिन हम कहते रहे कि हम ये हैं वो नहीं हैं, इसीलिए तो इतने डरे हुए हैं हम, क्यों हम अपनी व्यापकता के साथ मिल ही नहीं पाए, अपने छोटेपन को लेके डरे हुए पूरी जिंदगी बिसार दी। तो अगली बार हमारे दिल में एक नफरत की भावना उठे
तो इस सत्संग को याद कीजिएगा, नहीं तो इसको हम शमशान वैराग्य कहेंगे। कोई गुजर जाता है तब सब जीवन का सत्य समझ में आ जाता है। बस कुछ देर, फिर मरघट से आप घर तक पहुंचे, फिर वही खिटपिट और खटपट। शमशान वैराग्य नहीं चाहिए हमें, सत्संग में बहुत ऊंची ऊंची बातें नहीं चाहिए। हमारे अपने रोजमर्रा के जीवन में जब आप नफरत मुसलमान के प्रति, किसी नीची जाति के प्रति, किसी को नीचा कहने के प्रति आपके मन में भावना उठे, तब ये कबीर की बानी याद करें। जब आप वोट डालें तब कबीर की बानी याद करें। आप नफरत के लिए वोट देंगे या प्रेम और सद्भाव के लिए? बिजड़ी न चाहम कार मोतीड़ा परो विलो कान बाई अचानक या धारा थाशे जी जोता रे जोता मा दिवसो में आजा से पान बाई 21,600 ने कान खाशे बिजली न चाहम कारण है मोतीड़ा परो विलो पान बाई अचानक या धारा थाशे जी जोता रे जोता मां दिवसो वे आजा से पान बाई 21,600 ने कार्ड खाशे जानिया रे जेदी आतो है या जान छेरे पान बाई अधूरिया निधों के बाए जानिया रे जदी आ तो अजान छेरे पान बाई अधूरिया निधों के बाए जी गुपत रसनो खेल छे अट पटोने आंटी रे मेलो तो समझाए जी गुपत रसनो खेल छे अट पटोने आंटी रे मेलो तो समझाए जी बिजली न चाहम मोतीड़ा परो विलो पान बाई अचानक या धारा थाशे वे अजा से पान बाई 21,600 ने काल खाशे मन रे मुखी ने हटमे आवो ने मैदान हारे जानी ले जो जीव केरी जात मन रे मुखी ने हट में हाय अबो ने मैदान हारे जानी ले जो जीव केरी
जाता सजाती विजाती नी जुगती दिखाड़ू हूने बिबेरे पानी दो बीजी भात ने सजाती विजाती नी जुगती दिखाड़ू ने बिबेरे पानी दो बीजी भात बिजली न चमकारे हा मोतीड़ा परोहिलो पान बाई अचानक अंधारा थाशे जोता रे जोता मा दिवसो भैया चा से पान बाई एक 20,600 ने कार्ड थाशे पिंड रे ब्रह्मांड थी रे पर छे गुरु जी मारो एनो रे देखाड़ू तमने देश पिंड रे ब्रह्मांड थी रा पर छे गुरु जी मारो एनो रे दिखाड़ू तमने देश जी गंगा रे सती तो एमा ज बोलिया ने नहीं माया नो जरा है ले गंगा रे सती तो ए मज बोलिया ने क्या नहीं माया नो जरा है ले बिजली न चमकारे हाँ मोतीड़ा परोविलो पान बाई अचानक अंधारा थाशे जोता रे जोता मा दिवसो वे आजा से पान बाई 21,600 ने कार्ड था 21,600 ने कार्ड था 21,600